हेलो दोस्तों, आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल। इसको हम पढ़ेंगे यू सत्यनारायण बुक से। स्टार्ट करते हैं अभी। हम सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है अपना वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जिसका मतलब क्या होता है, देखो बायोमोलिक्यूल्स में दो वर्ड है अपने पास, क्या है, बायो प्लस मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स बनते हैं एटम से, दो या दो से अधिक एटम जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो कहीं पे आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मोलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, बायो मोलिक्यूल्स बोलते हैं। दूसरा अपने पास क्या है, सेल। बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल ये चैप्टर का नाम है। सेल के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, द लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली सिक्स एलिमेंट। जो भी लिविंग मैटर है, कोई भी लिविंग मैटर अगर है, वो किसका बना होता है, मेनली छह एलिमेंट उसको बनाते हैं। कौन कौन से छह एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये छह एलिमेंट है जो आपको याद रखने, मेनली ये छह होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे यही होंगे। तो छह अपने पास क्या है, एलिमेंट है, कौन कौन से, CHONSP। कौन कौन से, CHONSP, CHONSP। ये छह क्या होते हैं, मेजर एलिमेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो ड्राई वेट है उसका लगभग क्या है, 90% किसका बनाता है, इन छह एलिमेंट्स का बना होता है। कौन कौन से छह एलिमेंट आपको याद रखने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट अपने पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जिसमें क्या है, कैल्शियम है, पोटासियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक है, फ्लोरिन है, मोलिब्डेनम है एंड सेलेनियम है। इनका जो भी फंक्शन है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट रोल है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या दे रखा है अपने पास, कार्बन के बारे में बता रखा है कि कार्बन क्या है, एक यूनिक एलिमेंट का काम करता है। यूनिक वैसे तो हर एक एलिमेंट क्या होता है, एक यूनिक एटम या एलिमेंट का काम करता है। हर एक एलिमेंट क्या है, यूनिक है, मतलब कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन उन यूनिक में भी कार्बन क्या है, सबसे यूनिक काम करता है। उसके बाद कार्बन के बारे में बता रखा है कि ये मोस्ट प्रिडोमिनेंट एटम होता है और मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है लाइफ का। वर्सेटाइल का मतलब इसके बहुत सारे यूज होते हैं, और इसके भी कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या, अपने पास कार्बन जो है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्या करने की यूनिक प्रॉपर्टी है, वो क्या कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। जो भी कार्बन है वो क्या करता है, कई सारे कंपाउंड बनाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बना सकता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है। क्या करने की एबिलिटी है, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। क्या करता है, वो स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन कार्बन जो चेन है वो एक अनलिमिटेड लेंथ तक क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। जैसे हम जो भी हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर बायो मॉलिक्यूल्स जो भी है, उनमें क्या होता है, कार्बन की लंबी 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 क्या मिलती है, चेन मिलती है। कार्बन की लंबी लंबी चेन मिलती है। उसका रीजन यही है कि कार्बन क्या कर सकता है, स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड और अनलिमिटेड लेंथ की क्या कर सकता है, चेन बना सकता है। उसकी एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। कार्बन, यहां से एक बात और है, कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार। वैलेंसी का मतलब होता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड, मान लेते हैं ये कार्बन का अपने पास एटम है, तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, दो, तीन और चार। तो एक कार्बन का एटम कितने बॉन्ड बना सकता है, चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, चार है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो भी 90% कंपाउंड है जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, वो किसके बने होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के बारे में इतना बताया गया है। उसके बाद क्या बताया है, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है लाइफ के वो क्या है, तो लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। जो भी लाइफ है जिसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, लाइफलेस, मतलब कि उनके पास लाइफ नहीं होती। मान लेते हैं कोई भी
ऑर्गेनिज्म है या फिर ह्यूमन की, ह्यूमन का ही हम क्या लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कोई भी एग्जांपल उठाओगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं बायो मॉलिक्यूल्स के तौर पे, लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स है। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट लिविंग है, नहीं, ये क्या है, नॉन लिविंग है या कि लाइफलेस है। कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, फिर जो भी केमिकल ह्यूमन की बॉडी में मिलेगा वो कोई भी लिविंग नहीं है, वो क्या है, लाइफलेस है। तो हम बोल सकते हैं लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे क्या बता रखा है, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रखा है कि जो इकोलाई है, इकोलाई में लगभग 6000 के आसपास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। और ये माना गया है कि जो ह्यूमंस है, जो ह्यूमन है या मैन है, उनमें लगभग क्या है, 1,00,000 के आसपास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मिलते हैं, जिसमें से कुछ को करेक्टराइज कर रखा है। उसके बाद अपने पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रखा है, जो बायोमॉलिक्यूल है, जो बायोमॉलिक्यूल है उनके बारे में क्या बता रखा है, देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे बताया है अमीनो एसिड, दूसरा अपने पास न्यूक्लियोटाइड्स, और तीसरा है अपने पास मोनोसैकेराइड। ये क्या करते हैं, मोनोमेरिक यूनिट की तरह काम करते हैं, या फिर इनको हम बोल सकते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। किसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, पहला अपने पास प्रोटीन, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए एंड आरएनए आते हैं, और तीसरा अपने पास क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। अब यहाँ पे क्या क्या बताया है, उसके बाद लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि प्रोटीन, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए, वो किससे बने होते हैं, डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तीसरे पे है अपने पास पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड किसके बने होते हैं, मोनोसेकेराइड्स के। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए अमीनो एसिड किसकी मोनोमर है, तो ये किसकी मोनोमर यूनिट है, प्रोटीन की। या फिर उल्टा करके पूछ लिया जाए प्रोटीन की मोनोमर क्या है, तो अमीनो एसिड है। उसके बाद जैसे डीएनए है, डीएनए की मोनोमर यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कौन से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएगा, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ के साथ क्या है, मोनोसेकेराइड किसकी अपने पास मोनोमर यूनिट है, पॉलीसेकेराइड की, तो यहाँ पे ये बता रखा है। उसके बाद है जो लिपिड्स है, लिपिड्स को बायोपॉलीमर नहीं बोलते, एक स्ट्रिक्ट सेंस की अगर बात करें, मतलब कि लिपिड स्ट्रिक्ट सेंस में बायोपॉलीमर का काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनके पास जो मोनोमर यूनिट, देखो कोई भी पॉलीमर होता है तो उसमें क्या होता है, मोनोमर यूनिट रिपीट होती है, लेकिन लेकिन लिपिड के अंदर क्या होता है, एक फैटी एसिड जो है वो कॉमन होते हैं, उसके साथ क्या होती है, अल्कोहल होती है, और वो अल्कोहल एक कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि ज्यादातर में देखा गया कि वो ग्लिसरॉल है, लेकिन इसके अलावा भी और क्या हो सकती है, अपने पास अल्कोहल हो सकती है, मतलब कि इनका मोनोमर फिक्स नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेकिन मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी लिपिड जो है उनके पास क्या होते हैं, फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा एक स्ट्रिक्ट बायोपॉलीमर नहीं है, और ऑप्शन में अगर दिया गया है अमीनो एसिड, ऑप्शन में आपको दिए गए हैं प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड, तो आंसर क्या रहेगा अपना, लिपिड रहेगा, ठीक है। तो यह आप बता रखा था कि कौन सी मोनोमर किस पॉलीमर को बनाती है। उसके बाद ये टेबल दे रखी, देखो इस टेबल में क्या बता रखे, बायोमोलिक्यूल बता रखे, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक बता रखी है। ये क्या अपने पास बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन, ये उसकी मोनोमर यूनिट अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमीनो एसिड से। डीएनए किससे मिलकर बना है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए किससे मिलकर बना हुआ है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से। और जो पॉलीसेकेराइड्स है, पॉलीसेकेराइड्स किससे मिलकर बनी हुई है, मोनोसेकेराइड से। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। और ग्लाइकोजन किससे बनती है, ग्लूकोज के बार बार रिपीट होने से बनती है, यानी कि ग्लूकोज एक मोनोमर यूनिट है किसकी, ग्लाइकोजन की। उसके बाद क्या है, लिपिड, लिपिड में क्या होते हैं, फैटी एसिड तो होते हैं, उसके साथ साथ क्या होती है, ग्लिसरॉल भी होती है। यहाँ पे इनके मेजर फंक्शन बता रखे, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन क्या करते हैं,
ये फंडामेंटल बेस है किस चीज का, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल का, मतलब कि सेल के जितने भी स्टैटिक या डायनेमिक फंक्शन होते हैं वो कौन रोल प्ले करता है उसमें, उसमें प्रोटीन रोल प्ले करती है। उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए क्या करता है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को डिपॉजिट करके रखता है, मतलब कि ये उसको कंटेन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए किसका काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। उसके बाद है आरएनए, आरएनए किसके लिए जरूरी होता है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनने के लिए। मोनोसेक्राइड्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म डिमांड के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, पॉलीसेक्राइड्स करवाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स करवाते हैं। उसके बाद क्या है अपने पास, लिपिड्स, लिपिड्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए कौन है, पॉलीसेक्राइड्स, और लॉन्ग टर्म के लिए लिपिड या फिर फैट। उसके बाद है अपने पास बता रखा है स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हायरार्की होती है वो कैसी होती है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे छोटी चीज जो है अपने पास अर्थ में वो क्या है, एटम, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स जो, अब हम जो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं वो क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन, क्या बनाते हैं, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गेनेली, क्या बनाती है, ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाती है, सेल, सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं अपने पास, होल ऑर्गेनिज्म। तो अपने पास ये सीक्वेंस बता रखी इस पूरे पैराग्राफ में, क्या बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो हमने यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस किए हैं, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड, ये मिलकर क्या बनते हैं, बनाते हैं मेम्ब्रेन, बनाते हैं वो मिलकर, मेम्ब्रेन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल्स, सेल्स मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। ठीक है, तो ये बता रखा अपने स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है मैन की क्या केमिकल कंपोजिशन है, ह्यूमंस के भी अंदर जो केमिकल है उनकी क्या कंपोजिशन रहती है। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कोई मैन है जिसका वेट कितना है, 65 किलोग्राम, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या बता रखी है, इनकी परसेंटेज बता रखी है। सबसे ज्यादा जो अपने पास केमिकल होता है अपनी बॉडी में वो कौन सा है, वाटर है। उसके बाद प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल होते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है, वाटर होता है, अराउंड 60%, 60% के आसपास क्या होता है, पानी होता है। उसके बाद अपने पास बता रखा है सेकंड नंबर पे क्या है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स मेनली कहां पर मिलती है, मसल्स में, कहां पे मिलती है, मसल्स में। उसके बाद है लिपिड, लिपिड कहां पे मिलती है, मेनली एडिपोज टिश्यूज में। और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितने नंबर पे आ गया अपने पास, लिपिड के बाद आ गया, और वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा कौन है, वाटर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर इन, अगर प्रोटीन लिपिड की, अगर प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो सबसे पहले प्रोटीन, उसके बाद लिपिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। बट अगर मिनरल्स को इंक्लूड कर दिया जाए, मिनरल्स को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट से परसेंटेज में क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फोर्थ नंबर पे कौन आएगा, मिनरल्स आएंगे, और कार्बोहाइड्रेट कितने नंबर पे चले जाएंगे, फिफ्थ नंबर पे चले जाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की परसेंट कितनी है, 1.5%, और मिनरल्स की कितनी है, 6.1%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। जो सेल है, सेल को बोला जाता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसलिए हम उसको बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बोल देते हैं, क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अपनी बॉडी के अंदर होती है वो कहां पर होती है, सेल के अंदर ही होती है। उसके बाद दो साइंटिस्ट जो दे रखे हैं, स्लेडन एंड सेवान, इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी, और सेल के ओरिजिन के बारे में बताया था कि सेल कैसे ओरिजिन होती है, या फिर न्यू सेल कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल कैसे बनती है। तो ये किसने बताया था, सेल थ्योरी में बताया था, स्लेडन एंड सेवान ने। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं।
उसके बाद है अपने पास सेल्स जो है, सेल्स दो टाइप की होती है। सेल्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसके बाद बता रखा जो प्रोकैरियोट होती है उसमें दो, प्रोकैरियोट को देखो तो प्रो प्लस कैरियो, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस आने से पहले जो सेल थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बोला जाता है उनके पास क्या होता है, लैक होता है किसका? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का, मतलब कि न्यूक्लियस इनके अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लियस इनके अंदर अब्सेंट होता है, पहली बात। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि ये जो है अपने पास प्रोकैरियोट, ये सिंपल स्ट्रक्चर की होती है अगर हम कंपेयर करें यूकैरियोट से। और प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है। उसके बाद है यूकैरियोट। यू का यू वर्ड कहीं पे भी आएगा तो उसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब कि इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है? मोर कॉम्प्लेक्स है। अगर प्रोकैरियोट्स से कंपेयर करें तो ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जांपल क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स। वैसे देखें तो जो भी फंजाई होती है, फंजाई के अंदर भी कौन सी होती है अपने पास? यूकैरियोटिक सेल होती है। जो भी पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स है उनके अंदर भी कौन सी होती है? यूकैरियोट्स होती है। और प्लांट और एनिमल के अंदर भी ये यूकैरियोटिक सेल्स ही प्रेजेंट होती है। तो अपने पास ये सारे कवर हो गए, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप की सेल मिलती है, कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप की सेल मिलती है। एक अकेले बैक्टीरिया को छोड़ दो तो बाकी सभी ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनमें कौन सी मिलती है? यूकैरियोटिक टाइप की सेल मिलती है। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में यहाँ पे बता रखा, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें लगभग 10^14 सेल्स का आइडिया है कितनी सेल्स होती है और कितने टाइप की होती है, तो वो अबाउट 250 टाइप की बता रखी है। उसके बाद बता रखा कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है जनरली कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। उसके साथ साथ यहाँ पे बता रखा जो प्लांट सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल से अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है और क्लोरोप्लास्ट होता है। जो प्लांट सेल है उनके पास क्या होती है? एक सेल वॉल होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो ये सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट सेल में कहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो कहां पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट किस चीज की साइट है? फोटोसिंथेसिस की साइट है। उसके बाद है द सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सब सेलुलर ऑर्गेनेली एनवेलप्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी अगर यूकैरियोटिक सेल है तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेली मिलेंगे वो किससे कवर होंगी? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। और जब भी हमको अलग अलग ऑर्गेनेली करनी है, मतलब कि कोई भी सेल सस्पेंशन या सेल का कोई सैंपल अपने पास, सेल्स का अगर सैंपल है उसमें हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनेली अलग निकले। मान लेती है अपने पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ऐसी कई सारी सेल्स अपने पास एक मिक्सचर में है, उसमें से हम चाहते हैं कि हम क्या करें, माइटोकॉन्ड्रिया अलग करें, न्यूक्लियस अलग करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग कर ले। तो अलग अलग करने के लिए एक प्रोसेस हमको यूज करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनेली को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन कर रखा न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के बारे में जो सबसे पहली बात है वो है इट इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली। सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनेली क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जो भी न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसके पास कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो, मतलब कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन्स, इट इज न्यूक्लियस। एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस है, मान लेते हैं अपने पास क्या है? न्यूक्लियस का डायग्राम है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो किसके साथ कंटिन्यूअस में होती है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूअस होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे लगा हुआ होता है? न्यूक्लियस के साथ लगा हुआ होता है, लगा हुआ मिलेगा, मतलब कि साथ साथ में दोनों रहते हैं। उसके बाद है जो अपने पास ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं? कुछ एक इंटरवल पे पोर होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर जो है, न्यूक्लियर पोर काम करेगा फ्री पैसेज का। फ्री पैसेज मतलब कि जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा, बनेगा,
जो भी प्रोडक्ट बनेगा इनसाइड द न्यूक्लियस उसको अगर बाहर जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, वो इन पोर के थ्रू जाएगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो जो न्यूक्लियर पोर है, जो न्यूक्लियर पोर्स है, वो फ्री पैसेज का काम करेंगे, फ्री पैसेज का काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या होता है, उसके पास डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। उसके साथ साथ यूकैरियोटिक जो डीएनए है वो किससे जुड़ा होता है, बेसिक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन कहां पर मिलती है, अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोन प्रोटीन कहां पे प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। कौन सी बेसिक प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए 1:1 रेशो में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। और न्यूक्लियोसोम्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। फिर आगे आगे जुड़ते हैं और फिर एक बड़ी स्ट्रक्चर मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम नंबर जो है एक स्पीसीज का फीचर माना जाता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स जो है उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये 46 जो क्रोमोसोम है इनमें 44 जो क्रोमोसोम है उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और 2 क्रोमोसोम है जो उनको बोलते हैं सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स। उसके बाद यहां पे बता रखा है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी प्रेजेंट होती है और उस बॉडी का क्या नाम है, न्यूक्लियोलस। कोई भी अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कहीं पे आप जब देखोगे तो एक डेंस बॉडी आपको देखने को मिलेगी। जो ये डेंस बॉडी है इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, न्यूक्लियोलस। और जो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस किसकी साइट है, तो ये आरएनए सिंथेसिस की साइट बोल सकते हैं। आरएनए भी पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, आरआरएनए कहां पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास, आरआरएनए की जो साइट ऑफ सिंथेसिस है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बता रखा है जो अपने पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर का प्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो अपने पास मटेरियल है उसको क्या बोला है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला गया है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो क्या होता है, इट इज रिच इन एंजाइम्स, एंजाइम्स के उसमें जो है एंजाइम्स ज्यादा मिलते हैं। और कौन से एंजाइम मिलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद यहाँ पे एक डिजीज का जिक्र कर रखा है जिसका नाम है हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम, HGPS, जो कि एक रेयर कंडीशन है। क्या है, एक रेयर कंडीशन है। किसकी, इस कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें एजिंग स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ एजिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसका रीजन क्या है, ये इसका रीजन है जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसका डिस्टोर्शन हो जाना, उसका टूट जाना। और उसका डिस्टोर्शन होने का क्या रीजन है, एक्युमुलेशन ऑफ ए एबनॉर्मल प्रोटीन, एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जिसका नाम है लैमिना ए। तो देखो लैमिना ए प्रोटीन के एक्युमुलेट होने से या इकट्ठा होने से अगर न्यूक्लियर एनवेलप डिस्टोर्ट हो रहा है, डिस्टोर्शन हो रहा है उसका, उस वजह से क्या होता है, बचपन में ही, बर्थ के टाइम ही क्या हो जाता है, एजिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम बोलते हैं। उसके बाद है दूसरी जो ऑर्गेनेल है यहाँ पे बता रखी है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वहां पे, और दूसरा क्या होता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है। उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको नाम दिया गया है पावर हाउस ऑफ सेल का, पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि यहां पर क्या सिंथेसिस होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। जो एटीपी है, एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी
बोलते हैं किसको, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एटीपी को। एटीपी बनती कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए बोल दिया जाता है इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं रोड लाइक फिलामेंटस बॉडी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, कि रोड लाइक फिलामेंटस बॉडी आपको दिख रही है। इसका 1/5 जो वॉल्यूम है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का 1/5, 1/5 क्या करता है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन। जैसे न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है उसको बोल रहे हैं, उसको बोल रखा वो क्या है, सिंपली इट इज स्मूथ एंड कंप्लीटली एनवलप्स, मतलब कि स्मूथ है और ऑर्गेनेल को बाहर से अच्छे से कंप्लीटली एनवलप करके रखती है, बांध के रखती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है और क्या बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। क्या बनाती है, क्रिस्टी। जो अंदर की तरफ ये स्ट्रक्चर मुड़ी है, अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन मुड़ के जो स्ट्रक्चर बना रखी है ये वाली, तो इसको क्या बोल रखा है, क्रिस्टी बोल रखा है। द इंटरनल चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज या रेफर्ड एज मैट्रिक्स और माइटोसोल। माइटोसोल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोल रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो स्पेस दिखा रखा है उसको क्या बोला है, मैट्रिक्स या फिर माइटोसोल, मैट्रिक्स या फिर माइटोसोल बोल रखा है। उसके बाद है द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन आर ब्रिड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन या फिर ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस या फिर इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इनमें से कंपोनेंट कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, तो वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने पास द मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम कंसर्न विद एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में या फिर माइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। द मैट्रिक्स एंजाइम आल्सो पार्टिसिपेट्स इन सिंथेसिस ऑफ हीम एंड यूरिया। हीम एंड यूरिया के अंदर भी क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब कि यूरिया और हीम जब बनते हैं उसके एंजाइम भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रिंसिपल प्रोड्यूसर्स ऑफ एटीपी इन एरोबिक सेल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, जो एरोबिक सेल होती है, जो एरोबिक सेल होती है उनमें एटीपी कहाँ पर बनते हैं, तो उनपे एटीपी कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है अपने पास, एनरोबिक सेल्स जो है, एनरोबिक सेल्स में एटीपी कहाँ बनते हैं, जो एनरोबिक सेल में है उनमें एटीपी कहाँ बनते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसको, इसका आंसर पहले ढूंढोगे फिर कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं बाद में मतलब कि पिन करके छोड़ दूंगा, इसका जो आंसर है वो पिन करके छोड़ दूंगा। पहले आप चेक करो कि एनरोबिक सेल में एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होती है। उसके बाद है या दे रखा, जो मैंने भी बताया था, एटीपी जो है वो किसका काम करती है, एनर्जी करेंसी का काम करती है, जो कि कहाँ पर जनरेट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर दी जाती है कहाँ पर, ऑल पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के हर एक पार्ट को फिर क्या करती है, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके बाद है अपने पास, बताया गया है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसके अंदर एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और उसके साथ साथ आरएनए और राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कहां पर होता है, राइबोसोम में। कहां पर होता है, राइबोसोम्स में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, अपने पास खुद के क्या है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, प्रोटीन खुद बना सकते हैं। और ये पाया गया है कि जो 10
लगभग 10% जो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लगभग 10% प्रोटीन है वो अकेला माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है। उसके बाद बताया रखा है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोजली रिजेंबल विद प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये पाया गया है कि जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलती जुलती है, और ऐसा माना गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ वो किससे हुआ है, एरोबिक बैक्टीरिया से। किससे हुआ है, एरोबिक बैक्टीरिया से हुआ है। उसके साथ साथ ये भी माना गया है कि स्टार्टिंग में क्या होता था, एरोबिक बैक्टीरिया ने सिंबायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लिया किसके साथ, एनरोबिक यूकैरियोटिक सेल के साथ। मतलब कि सबसे पहली बात आती है सिंबायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिंबायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है मान लो दो बंदे हैं, एक और दो, ये दोनों साथ में मिलकर ये इसको फायदा पहुंचाए और ये इसको, तो उसको बोलते हैं सिंबायोटिक एसोसिएशन। दोनों एक दूसरे का अच्छा करें, एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, फिर उस रिलेशनशिप में जो रहेंगे उसको क्या बोल दिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल दिया। तो ऐसा माना गया है स्टार्टिंग में क्या हुआ, एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल के साथ रहना शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ, वो सेल के अंदर चला गया, और अंदर चला गया तो वो क्या हो गया, अपने पास साइट ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, या फिर एरोबिक कंपोनेंट कहां पे आ गया, अपने पास एरोबिक कंपोनेंट अंदर आ गया, और पूरी की पूरी सेल क्या होगी, ये यूकैरियोटिक सेल अच्छे से, मतलब जो रिसेंट जो अपने पास क्या है, रिसेंट एरोबिक सेल, रिसेंट एरोबिक बोलो या फिर रिसेंट जो अपने पास यूकैरियोटिक सेल है उसका ओरिजिन हो गया। मतलब कि ऐसा माना गया है जो पहले यूकैरियोटिक सेल थी, जो पहले यूकैरियोटिक सेल थी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आया, प्रोकैरियोटिक सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल से या फिर एरोबिक बैक्टीरिया से। मान लेते हैं ये क्या था, अपने पास ये क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया किसके साथ आ गया, अपने पास एनरोबिक यूकैरियोटिक सेल के साथ, एनरोबिक यूकैरियोटिक सेल के साथ, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, रिसेंट आज के दिन वाली जो यूकैरियोटिक सेल है वो बना दी गई। तो ये हाइपोथेसिस है, ऐसा माना गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन ऐसे हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन कर रखा है अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसको बताया गया है द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड स्पेस दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। कोई भी मतलब कि जो अपने पास सेल है, सेल में मैंने बताया न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, ये फैला हुआ होता है, और ये न्यूक्लियस जो अपने पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, सरफेस को इनक्लोज करता है, इसके बीच बीच में क्या करता है, ये सरफेस को ऐसे इनक्लोज करके रखता है। तो यहाँ पे जो स्पेस है इसको, और ये जो स्पेस होता है, जो स्पेस ये इनक्लोज करके रखता है वो क्या है, अपने पास साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, और ये उसके बाद बता रखा है ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैला हो सकता है सम। और तो और ये क्या यहाँ पे बता रखा है, ये एक्सटेंड कर जाता है न्यूक्लियर पोर से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। न्यूक्लियर पोर तो यहाँ पे है, न्यूक्लियर पोर से लेकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी कुछ एक थ्रेड इसके फैले हुए हो सकते हैं। उसके बाद बता रखा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन किसके साथ कवर होता है, राइबोसोम्स के साथ कवर होता है, और वो राइबोसोम क्या करते हैं, उसको ग्रेनुलर अपीयरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके बाद हम उसको बोलते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर अगर मान लेते हैं अपने पास ये उसकी क्या है, वो एक्सटेंशन है किसकी, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की एक्सटेंशन मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा, मतलब कि कोई ग्रेनुलर अपीयरेंस नहीं है। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ये कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, ये स्मूथ नहीं रहेगा, ये कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को क्या बोला गया है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस कौन है, राइबोसोम्स। उसके बाद बताया गया है प्रोसेस अगर चल रही है फ्रैक्सीनेशन की, उसमें अगर ईआर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो उसके छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं, और उन वेसिकल्स को क्या नाम दे दिया है, माइक्रोसोम्स का नाम दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि जो ये माइक्रोसोम्स बनते हैं वो एज सेल में प्रेजेंट नहीं होते, वो कैसे बनते हैं, डिस्ट्रप्शन होने की वजह से। किसका डिस्ट्रप्शन होने से माइक्रोसोम्स बनते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, टूटना टूट जब हो जाता है तो तब क्या बनते हैं, अपने पास माइक्रोसोम्स बन जाते हैं। उसके बाद अपने पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। उनका फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स में जैसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है, फोस्फोलिपिड्स है और स्टेरॉल्स जो है, इन सभी का सिंथेसिस कहां पे होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दूसरा फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है मेटाबोलिज्म ऑफ ड्रग्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके साथ साथ इसका तीसरा काम क्या है? कैल्शियम की सप्लाई करता है। कहां पर? सेल में। जो सेलुलर फंक्शन है उनको कैल्शियम अगर चाहिए तो कौन प्रोवाइड करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो तीन फंक्शन इसके यहाँ पे निकल के आए हैं। पहला है अपने पास लिपिड्स की सिंथेसिस, पहला क्या है? लिपिड की सिंथेसिस। दूसरा है मेटाबोलिज्म ऑफ ड्रग्स का इस कौन काम करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा क्या है? कैल्शियम आयंस की क्या करता है? सप्लाई करता है। तो ये तीन फंक्शन मेन यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस जो है वो एक मेम्ब्रेन वेसिकल्स का क्लस्टर है, जिसको हम डिक्टियोसोम्स भी बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे ही कोई न्यू प्रोटीन बनती है, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास सबसे पहले आती है। तो बनती कहाँ पे है? राइबोसोम्स में। कोई भी प्रोटीन कहाँ बनती है? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स में बनने के बाद कहाँ पे आती है? गोल्जी अपरेटस के पास आती है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? इसके ऊपर एडिशन करता है। क्या करता है? एडिशन। कोई प्रोटीन आई उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐड करने का काम करता है, और एडिशन किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कुछ एक सल्फेट मोइटीज को जोड़ देता है प्रोटीन के ऊपर। और ये जोड़ता क्यों है? एडिशन की क्या जरूरत है? ये जरूरत यहां पर बता रखी है, दीज केमिकल मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर भेजना है, मान लेती है कि अपने पास सेल है, इसमें कोई प्रोटीन बनी ए, कोई प्रोटीन बन गई अपने पास, क्या कोई भी ए प्रोटीन अगर बन गई इसके अंदर, तो उसको बाहर अगर भेजना है तो गोल्जी क्या करेगा? इसके ऊपर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन बाहर निकल सके, सेल से बाहर निकल सके। तो क्या होगा? ये ट्रांसपोर्ट में इसकी हेल्प हो जाएगी। ए प्रोटीन का मॉडिफिकेशन या कोई भी प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। अगर उसको कहीं बाहर जाना है सेल से बाहर, तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा? ये मॉडिफिकेशन हेल्प करेंगे। उसके बाद दे रखा है सर्टेन प्रोटीन एंड एंजाइम्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन वेसिकल्स ऑफ गोल्जी अपरेटस। इसमें बोला गया है कि जो गोल्जी अपरेटस है उसमें कुछ एक प्रोटीन और एंजाइम्स बंधे हुए होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, जो कि सिक्रेट कर दिए जाते हैं सेल के द्वारा आफ्टर अप्रोप्रिएट सिग्नल, जब भी सेल्स को अप्रोप्रिएट सिग्नल मिलते हैं। जैसे जो अपने पास पेनक्रियाज है उसके एंजाइम है, उसके एंजाइम कब रिलीज होते हैं? जब उसको सिग्नल मिलता है। सेम वे में जैसे यहाँ पे बता रखा है, उसका एक एग्जांपल दे दिया कि पेनक्रियाज भी ऐसे ही सिक्रीट करता है अपने सिक्रीशन को, अपने एंजाइम्स को, जब उनको कोई सिग्नल मिलता है। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस जो है वो मेम्ब्रेन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं? मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में, और पर्टिकुलरली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली। जो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली है, जैसे हमने पढ़ा है प्रोक्सीसोम और लाइसोसोम आपने पढ़ रखा होगा, वो क्या है अपने पास? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली का मतलब है इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड जो ऑर्गेनेली है उनको, उनकी जो मेम्ब्रेन है उसकी सिंथेसिस का काम कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। उसके बाद दे रखा है लाइसोसोम्स के बारे में। जो लाइसोसोम्स है वो क्या होते हैं? स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन है सिंगल मेम्ब्रेन है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, उनके पास डबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन लाइसोसोम्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। इसको बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहां पे चलती है? लाइसोसोम्स में चलती है। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ सेलुलर सब्सटेंस। कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो सब्सटेंस है उनका डाइजेशन कौन करवाएगा? लाइसोसोम करवाएगा। तो जो सेलुलर सब्सटेंस है उसका डाइजेशन कहां होता है? लाइसोसोम्स में होता है। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोलेजिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजिस। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एंजाइम है, जो यहाँ पे दिखा रखे है, पहला जो अपने पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज, क्या है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज। दूसरा है कैथेप्सिन, तीसरा है लाइपेज, और चौथा है राइबो
न्यूक्लियजेज, यहाँ पे ब्रैकेट में जो इनके सबस्ट्रेट दे रखे हैं, मतलब कि जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज काम करेगा किस पे करेगा, ग्लाइकोजन पे, कैथेप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन्स पर, लाइपेज किस पर काम करेगा, लिपिड्स पर, और राइबोन्यूक्लियेज किस पे काम करेंगे, आरएनए पर। तो ये क्या है, अपने पास एंजाइम्स हैं जो कि एक लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बता रखा है जो लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेलुलर कंपाउंड्स इन डायनेमिक स्टेट, मतलब कि कोई भी अगर सेलुलर कंपाउंड है उनको रिसाइकल करने का काम करेगा कौन, लाइसोसोमल एंजाइम। क्या करेंगे, कोई भी अगर कंपाउंड है उसको क्या करेंगे, डिग्रेड करवा देगा, जो लाइसोसोम है क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, डिग्रेड होने के पास उसकी क्या हो जाएगी, रिसाइकलिंग हो जाएगी। तो रिसाइकलिंग का जो सेल के अंदर काम करता है वो भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट है वो अपने पास लाइसोसोम से बाहर भी आ सकते हैं, किस फॉर्म में कि या फिर किस मैकेनिज्म के द्वारा, तो डिफ्यूजन के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा डिग्रेडेड प्रोडक्ट लाइसोसोम से बाहर आ सकते हैं और सेल उसको रीयूटिलाइज कर सकती है। और साथ के साथ यहां बता रखा है सर्टेन रेजिडुअल प्रोडक्ट रिच इन लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन कलेक्टिवली नोन एज लाइपोफ्यूजन एक्युमुलेट्स इन द सेल। कई बार क्या होता है, कुछ एक रेजिडुअल प्रोडक्ट जो कि लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं जिसको लिपोफ्यूसिन कहा गया है, वो क्या होता है सेल के अंदर एक्युमुलेट हो सकते हैं। और जो अपने पास ये लिपोफ्यूसिन है इसको बोला गया, ये है एक एज पिगमेंट या फिर वियर एंड टियर पिगमेंट का नाम इसको दिया गया है, जो कि एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। जो एजिंग प्रोसेस है, सेल के बूढ़ा होने की जो प्रोसेस है, उसमें कौन सा पिगमेंट काम करता है, तो उसमें पिगमेंट काम करता है लिपोफ्यूसिन। लिपोफ्यूसिन को दो नाम और दिए गए हैं, कौन कौन से, पहला अपने पास एजिंग पिगमेंट या फिर एज पिगमेंट बोला गया है, दूसरा क्या बोला गया है, वियर एंड टियर पिगमेंट, वियर एंड टियर पिगमेंट भी इसको बोला गया है। उसके बाद दे रखा है पे जो सेल बन एज द सेल डाइज द लाइसोसोम रप्चर्स, कोई भी सेल की अगर डेथ होती तो क्या होते हैं, लाइसोसोम रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने की वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने की वजह से वो क्या करते हैं, सेल का ऑटोलाइसिस करवा देते हैं, अपने आप सेल टूट जाती है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फाइंड टू लाइसोसोम्स। ये हमने पढ़ लिया कि जो सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं। और अगर अगर ये एंजाइम एस्केप हो जाए, निकल जाए, तो ये क्या करेंगे, फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल जो सेल के अंदर, उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और उसकी वजह से कोई कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसे कुछ एक डिजीज के बारे में बता रखा है, जैसे अर्थराइटिस है, मसल्स डिजीज है, एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, इनमें क्या होता है, लाइसोसोम्स के जो एंजाइम है वो रिलीज हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बायोमोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसकी वजह से क्या होते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इंक्लूजन सेल डिजीज, आई सेल डिजीज, इट इज ए रेयर कंडीशन ड्यू टू अब्सेंस ऑफ सर्टेन हाइड्रोलेजेस इन लाइसोसोम्स। तो हाइड्रोलेज एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम में, अगर वो अब्सेंट है, अगर 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 लाइसोसोम्स के कुछ एक हाइड्रोलेज एंजाइम अब्सेंट है, उसकी वजह से क्या हो सकती है, एक डिजीज हो सकती है, जिसको बोला गया है आई सेल डिजीज। लेकिन लेकिन क्या हुआ, ये जो एंजाइम है अपने पास, ये सिंथेसाइज या फिर सिंथेसाइज हो सकते हैं और सर्कुलेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन लेकिन वो अब्सेंट कहाँ पर है, लाइसोसोम्स में। क्या पर अब्सेंट है, लाइसोसोम्स में अब्सेंट है, लेकिन वो प्रेजेंट हो सकते हैं कहाँ पर, सर्कुलेशन में। ऐसा हो सकता है कि सर्कुलेशन में तो वो एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन लाइसोसोम में प्रेजेंट नहीं है। आई सेल डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन प्रोटीन टारगेटिंग। आई सेल का रिलेशन कहां से है, प्रोटीन टारगेटिंग में डिफेक्ट होने से रिलेशन है। उसके बाद बता रखे यहाँ पे प्रोक्सीसोम्स के बारे में, क्या बता रखा है, प्रोक्सीसोम्स के बारे में बता रखा है, जिसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोबॉडीज। जैसे हमने पढ़ा कि जो लाइसोसोम्स है उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं,
हाइड्रोलेजिस, कौन से एंजाइम है? हाइड्रोलेजिस। वैसे ही प्रोक्सीसोम्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं? कैटालेजिस। ये ध्यान रखना है, कैटालेजिस। प्रोक्सीसोम में कौन से है? कैटालेज। हाइड्रो अपने पास लाइसोसोम में कौन से है? हाइड्रोलेज। तो ये दोनों टाइप के अपने पास एंजाइम ध्यान रखने, प्रोक्सीसोम में कौन सा और लाइसोसोम में कौन सा है। उसके बाद क्या है? कैटालेज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। हाइड्रोजन परोक्साइड का क्या होता है? टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जिससे सेल को बचाता है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट से सेल को बचाता है कौन? प्रोक्सीसोम के कैटालेज एंजाइम्स। कैसे बचाता है वो? H2O2 मतलब कि परोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा और वो सेल को टॉक्सिक इफेक्ट से बचा लेगा। प्रोक्सीसोम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ऑक्सीडेशन। किस चीज का ऑक्सीडेशन? लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, उसका जो अपने पास ऑक्सीडेशन होगा वो कहां पे होएगा? प्रोक्सीसोम में होएगा। अगर कोई भी फैटी एसिड है जिसकी चेन की लंबाई 18 कार्बन से ज्यादा है, 18 कार्बन से ज्यादा लंबाई का जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन प्रोक्सीसोम में होता है। उसके साथ साथ प्रोक्सीसोम का जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा हैलोजन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये दो फंक्शन और बता रखे, किसकी सिंथेसिस करवाता है? प्लाज्मा हैलोजन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं। जो प्लांट्स है उनके अंदर क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सीसोम्स होते हैं, जो कि एक तरीके से क्या होते हैं? प्रोक्सीसोम्स का काम करते हैं। मतलब कि जो प्रोक्सीसोम्स प्लांट सेल्स में होते हैं उनको अलग से नाम दे दिया गया है, और वो नाम क्या है? ग्लाइऑक्सीसोम्स, जो कि डिफरेंट ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोक्सीसोम्स के बारे में एक डिजीज यहां पे दिखा रखी है, प्रोक्सीसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर्स आर ए ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज। ये भी क्या है? रेयर डिजीज है। इसमें क्या होता है? एंजाइम्स है जो प्रोक्सीसोम के, उनकी एक्टिविटी से रिलेटेड ये डिजीज है। द बायोकेमिकल अबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद पीबीडीज इंक्लूड इंक्रीज्ड लेवल ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो है, लॉन्ग फैटी एसिड्स जो है, लॉन्ग चेन के फैटी एसिड्स जो है उनकी संख्या अगर बढ़ जाए, उनका लेवल अगर बढ़ जाए, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा? ये डिसऑर्डर हो सकते हैं। साथ ही साथ क्या है? जो प्लाज्मा हैलोजन्स है उसकी भी डिक्रीज कंडीशन अगर है वो भी किससे जुड़ी हो सकती है? इन डिजीज से जुड़ी हो सकती है। एक सिंड्रोम का यहाँ पे नाम दे रखा है, जेलवेगर सिंड्रोम। जेलवेगर सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो? अगर फंक्शनल प्रोक्सीसोम्स अब्सेंट है, अगर फंक्शनल प्रोक्सीसोम अब्सेंट है उस कंडीशन को हम बोल देंगे जेलवेगर सिंड्रोम है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जेलवेगर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली। ऑर्गेनली किस ऑर्गेनली से इसका रिलेशनशिप है तो वो अपने पास क्या आ जाएगा? प्रोक्सीसोम्स आ जाएगा। जिस भी पेशेंट को ये डिजीज होगी, कौन सी डिजीज? जेलवेगर सिंड्रोम अगर किसी को है तो उसकी डेथ हो जाएगी कब? विद इन 1 ईयर आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के 1 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी अगर उस बच्चे को जेलवेगर सिंड्रोम है तो, क्योंकि उसमें फंक्शनल प्रोक्सीसोम्स क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। उसके बाद बता रखा है साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म, एक ही बात है। साइटोसोल और साइटोस्केलेटल के बारे में, जो सेलुलर मैट्रिक्स है उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि साइटोसोल क्या अपने पास बेसिक कंपार्टमेंट है, बेसिकली एक कंपार्टमेंट है जिसमें कुछ एक एंजाइम होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। किसमें? एक्वस जेल लाइक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक्चुअली क्या होते हैं? एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट देखने को मिलता है जो कि पूरी की पूरी सेल में फैला होता है और वो फैल कर पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर बनती है, उसको क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटल बोलते हैं। द साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स आर ऑफ 3 टाइप। जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपने पास माइक्रोट्यूबुल्स,
दूसरा है एक्टिन फिलामेंट और तीसरा है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो फिलामेंट है वो प्रोटीन के पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन के, मतलब कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं फिलामेंट्स। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्ट्रक्चर शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम कौन करते हैं? ये फिलामेंट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली जो साइटोस्केल्टल है, जो साइटोस्केल्टल है वो शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और लास्ट में हमने पास बता रखा है इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन के बारे में। जो यूकैरियोटिक सेल है वो बहुत सारे अपने पास फंक्शन प्ले करती है, जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंक्लूड होती है, जो कि मेंटेन करती है टिश्यू को, या फिर अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अपने पास जो भी प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करने का काम करती है। इंट्रासेलुलर फॉर दिस पर्पज द वेरियस इंट्रासेलुलर प्रोसेस एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस आर टाइटली कंट्रोल्ड एंड इंटीग्रेटेड। कहने का मतलब यह है कोई भी अगर सेल है, कोई भी सेल में कोई भी अगर फंक्शन हो रहा है, मान लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मान लो सेल के अंदर अगर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें जितने भी ऑर्गेनेली का रोल है या फंक्शन है वो क्या करते हैं? एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। जैसे मैंने बताया प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स से प्रोटीन बनकर कहां पर जाती है? जो प्रोटीन अपने पास राइबोसोम्स में बन गई वो कहां पर जाएगी? गोल्जी अपरेटस के पास जाएगी। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा? वहां पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको क्या करेगा? आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जितनी भी ऑर्गेनेली अपने पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है वो क्या करेंगे? सारे मिलकर काम करेगी, तभी वो क्या करती है? टिश्यूज को और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखती है, या फिर बोल सकते हैं जीवित रखने का काम करती है। और लास्ट में अपने पास एक टर्म दे रखी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस जो अपने पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ है या फिर सेल सुसाइड है। और ये होती कब है? इट ऑकर्स व्हेन द सेल हैज फुलफिल्ड इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। मान लेते कोई एक सेल है, इस सेल का कोई भी फंक्शन था, अगर इस सेल ने वो फंक्शन कर दिया, उसके बाद उस सेल का कोई फंक्शन नहीं रहा क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन कर चुकी है, तो इस सेल का काम अगर पूरा हो गया तो ये क्या कर सकती है? अपने पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर जा सकती है, इसकी अपोप्टोसिस हो सकती है। तो अपोप्टोसिस वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर दूसरा नाम यूज कर रखा सेल सुसाइड। जब भी इसका कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब सेल डेथ हो सकती है। इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको बोला गया है नेचुरल सेल डेथ, मतलब कि उस सेल की वो नेचुरल डेथ है, हमने उसको नहीं मारा, ठीक है, अपने आप उसकी डेथ हुई। तो नेचुरल सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर सेल सुसाइड, ये सभी किसके नाम है? अपोप्टोसिस के नाम है। उसके बाद दे रखा है इट डिफर्स फ्रॉम द सेल डेथ कॉज्ड बाई इंजरी ड्यू टू रेडिएशन एंड एनोक्सिया। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है ये एक ओल्ड टर्म के लिए यूज की गई है, और उस टर्म का नाम है अपने पास नेक्रोसिस। क्या नाम है? नेक्रोसिस। जो नेक्रोसिस होती है वो भी सेल डेथ होती है। वो क्या होती है? वो भी सेल डेथ है, जो कि इंजरी की वजह से होती है। किसकी वजह से? इंजरी की वजह से। और ये इंजरी किसकी वजह से होती है? हो सकता है वो रेडिएशन की वजह से हो, एनोक्सिया ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से हो। तो किसी भी वजह से कोई भी इंजरी अगर होती है और इंजरी की वजह से अगर डेथ होती है तो उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस डिफरेंट है किससे? अपोप्टोसिस से। तो अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों अलग अलग टर्म है। उसके बाद बता रखा जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है वो एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है। यहाँ पे नेक्रोसिस के बारे में सिर्फ एक लाइन दी गई है कि वो अलग होती है किससे? अपोप्टोसिस से। और उसमें भी सेल डेथ होती है इंजरी की वजह से, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये था अपने पास फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने मेन मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं।